और बीजेपी ने ये पांचों सीटों सोंधिया समाज की दिलवाई राजगढ़ से। हाँ, अगर सोंधिया समाज एक तरफ नहीं लड़ता नहीं तो एक भी सीट नहीं निकलती। हमारे राम मंदिर बना दिया और हमारे देश का विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना बनी है, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उनने यहाँ का मुख्यमंत्री हटाकर बहुत बड़ा थोड़ा गलती कर दी इसमें। नहीं, वो भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जीते थे अपने शिवराज सिंह चौहान की वजह से। बेरोजगारी ज्यादा है तो यहाँ पे कुछ उद्योग धंधे जैसा कुछ होना चाहिए, तो युवाओं को बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान फ्री है, काम धंधा नहीं है, तो कुछ उद्योग लगना चाहिए यहाँ राजगढ़ में, तो उससे क्या है कि बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम, धंधा मिलेगा लोगों को। हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवाले लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवाले लाएंगे, भारत का बच्चा बच्चा जय 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 राम बोलेगा। राजगढ़ लोकसभा ऐसी सीट है जहां वर्षों तक मुंबई के कलाकारों का कब्जा रहा है। मुंबई के कलाकार राजगढ़ आकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीते। सन 1962 की बात की जाए तो सन 1962 में नरसिंहगढ़ राज परिवार के प्रमुख भानु प्रताप सिंह चुनाव लड़े और वहां राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते। उसके बाद वहां इंदिरा सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और उसके बाद वहां गोवा के राज्यपाल भी बने। प्रसन्न कुमार पंडित शास्त्रीय संगीत गायक मुंबई से आकर राजगढ़ से चुनाव लड़े और वहां चुनाव जीते। बाबूराव पटेल मुंबई से आकर चुनाव लड़े और वहां चुनाव जीते हैं। राजगढ़ लोकसभा के इतिहास की बात की जाए तो सन 1984 में रावगढ़ के प्रमुख दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और वहां चुनाव जीते। उसके बाद 1990 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस से और प्यारेलाल खंडेलवाल भाजपा से चुनाव लड़े, लेकिन प्यारेलाल खंडेलवाल ने दिग्विजय सिंह जी को चुनाव हरा दिया। उसके बाद सन 1991 में मध्यवर्ती चुनाव है, हुए मध्यवर्ती चुनाव में दिग्विजय सिंह चुनाव जीत गए। सन 1994 से 2004 तक दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से सांसद रहे हैं। उसके बाद 2009 में नारायण सिंह आमलबे और लक्ष्मण सिंह के बीच चुनावी मुकाबला हुआ। इस चुनावी मुकाबले में नारायण सिंह जी चुनाव जीत गए। सन 2014 और से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से रोडमल नागर सांसद है। और जातिगत समीकरण की बात की जाए तो राजगढ़ में 2 लाख आबादी सोंधिया समाज बहुल्य है, वहीं पौना 2 लाख के समथिंग दांगी समाज के लोग रहते हैं। और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 81% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और राजगढ़ लोकसभा में कुल मतदाता 16,38,000 हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट में जातिगत गणित की बात की जाए तो 56% ओबीसी है, 18% एससी है, 5% मुस्लिम है और 4% सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। इस समय हमारा साथ में सोंधिया समाज वर्ग के लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। इस समय हम सरेड़ी गांव में हैं और सरेड़ी गांव के प्रधान हमारा साथ में है। आपको अभी लोकसभा चुनाव पास में है और आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए और क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी नौकल को चाहिए साहब, अपना कैसा होना चाहिए, कैसा ईमानदार होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, मतलब ईमानदार। हाँ, इस समय किसका पल्ला भारी रहेगा? सोंधिया समाज का ही रहेगा, बीजेपी का। और बीजेपी ने ये पांचों सीटों सोंधिया समाज की दिलवाई राजगढ़ से। हाँ, अगर सोंधिया समाज एक तरफ नहीं लड़ता नहीं तो एक भी सीट नहीं निकलती। बीजेपी आपको इतनी प्री क्यों लग रही है, क्या कारण है इसका? बीजेपी का काम ही अच्छा है साहब। क्या काम? सारा ही काम, जितना भी मोदी जी ने काम किया सारा ही एक नंबर पे है। राम मंदिर है, 370 है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलवाना, सब तो एक नंबर काम है। अच्छा,
मतलब सांसद कैसा चाहिए आपको, क्या जो अब वर्तमान में रोडमल जी नागर हैं? नहीं, रोडमल नागर जी नहीं, सोंधिया समाज से। सोंधिया समाज से कोई भी टिकट दिलवाओ साहब आप, और भरपूर चुनाव जीत के जाएगा। जैसा 5 ही विधायक गया नहीं, ऐसा ही सोंधिया समाज को सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे हुए यहाँ से। आप इस गांव के बुजुर्ग भी हैं, वायुवृद्ध भी हैं, क्या कहेंगे आप राजगढ़ लोकसभा सीट को लेकर? क्या कहेंगे? कहीं भी राजगढ़ लोकसभा लेके यही, यहाँ का जो अनाने या कहीं बोले बीजेपी ने काम करी उसको कोई नहीं कर सके। हमारे गरीबों और किसों की पालन करी, गरीबों और क्या साथ सबके पालन करी उन्होंने। गांव फ्री दे दिया, पैसा दे दिया, पेंशन दे दिया, टंकियां दे दी। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप, जो देश के जो मोदी है उनके बारे में? मोदी जी के बारे में कहते रहे कि बहुत अच्छा काम करिया उन्होंने, करे जैसे ऑनलाइन पाचे रहा, मोदी जी ने बढ़िया काम किया। अच्छा, मोदी जी साहब प्रसन्न हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? यही मोदी जी ने अच्छा काम किया सब, उन्होंने अच्छा में मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया हमारे देश के लिए, और हमारे राम मंदिर बना दिया, और हमारे देश का विकास हो रहा है, बहुत अच्छे हो रहा है। और ये हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना बनी है, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उनने यहाँ का मुख्यमंत्री हटाकर बहुत बड़ा थोड़ा गलती कर दी इसमें। वो भी अच्छे काम कर रहे, नहीं वो भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव जीते थे अपने शिवराज सिंह चौहान की वजह से, चेहरा उनका था शिवराज सिंह चौहान का। अच्छा, तो हम ये चाहते थे कि शिवराज जी अगर एक बार और बन जाते तो हमारा मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा विकास होता। यहाँ पर गरीब ज्यादा है और गरीबों का नौकरी लग जाती, और लाडली बहनों और को बहुत विकास होता, उन्हें धंधा और भी मिल जाता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मोदी जी से यही हम ये चाहते हैं दुआ कि फिर शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए, और राजगढ़ सीट हमारे सोनवाड़ क्षेत्र से आती है। यहाँ हाँ, लोकसभा में आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए, क्या मुद्दे हैं? मतलब आपके गांव, आपके 81% की आबादी ग्रामीणों की, गांवों में रहती है। हाँ, गांव में रहती है। गांवों के बारे में आप, ग्रामीणों के बारे में क्या कहेंगे आप? ग्रामीण संतुष्ट है इस समय? संतोष तो है सर, काम हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन अभी कहीं है कि अभी काम मिल नहीं रहा है। आप लोग क्या मांगे सर? अभी बहुत ज्यादा बेरोजगारी ज्यादा है, तो यहाँ पे कुछ उद्योग धंधे जैसा कुछ होना चाहिए। तो युवाओं को, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान फ्री है, काम धंधा नहीं है, तो कुछ उद्योग लगना चाहिए यहाँ राजगढ़ में। तो उससे क्या है कि बेरोजगारी कम होगी, धंधा मिलेगा लोगों को, क्योंकि लोग बिल्कुल फ्री है, इतनी नौकरियां नहीं है, धंधे चल नहीं रहे हैं, काम धंधा इतना। कृषि है जो थोड़े बहुत लोग करते हैं, तो इसमें बाकी के लोग फ्री हैं, तो उनके लिए रोजगार चाहिए। रोजगार है जो उद्योग धंधों के बिगड़ में, रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार कम है, यहाँ से प्लान भी बहुत लोग करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। कहाँ जाते हैं ये? इधर राजस्थान वगैरह सिटी वगैरह में चले जाते हैं, बड़े है नहीं, बड़े सिटी में जहाँ काम मिलता है वहाँ बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए अभी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है रोजगार की। सोने समाज के कुछ युवा तरुणाई हमारे साथ में, ये आप क्या कहेंगे? राजगढ़ लोकसभा से जो हमारे प्रताप मंडलोई जी जो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, उनको जो सांसद का टिकट दिया जाए तो हम पूरा तन मन धन से सोंधिया समाज उनके साथ में रहेंगे, या अन्य लोगों को जो वोट दिया जाए, टिकट दिया जाए, तो हम उनके साथ में नहीं रहेंगे। फिर हमारे समाज को टिकट नहीं मिलता है तो हम अन्य समाज को भी वोट नहीं देंगे। और राजगढ़ में सोंधिया समाज की वजह से ही 5 सीटा बीजेपी की आई है, हमने हमारे 5 सीटा पर हमारा वोट ज्यादा है, और रायगढ़ जिला में कम से कम 5-10 लाख वोटिंग सोंधिया समाज की है। हम यही दुआ करते कि सोंधिया समाज को फिर दोबारा टिकट सांसद का मिले, तो हमारे जैसे हमारे सोंधिया समाज का हमारे प्रभारी मंत्री बने हैं नारायण सिंह जी विधायक साहब ब्यावरा से, इसी प्रकार से हम फिर चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सांसद का टिकट भी सोंधिया समाज को मिले, तो हम बीजेपी को फिर दोबारा लाएंगे, और फिर राम को लाएंगे, और कांग्रेस को बूढ़ी कर देंगे। क्या कहेंगे आप? हम मोदी जी के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने एक नंबर काम किया राम मंदिर बनवा के। हाँ। अब वही हमारे दिल में समा गए हैं,
तो उनको ऊपर एक गाना है, क्या है, जो हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा ले आएंगे, भारत में फिर से हम भगवा ले आएंगे, भारत का बच्चा बच्चा जय 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 राम बोलेगा। और क्या कहेंगे आप, और क्या कहेंगे, हम यही कहना चाहते हैं जो राम मंदिर को लाए हम उनको लाएंगे, यही कहना है हमारा तो। और गरीबों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। आप युवाओं के क्या मांगे, युवाओं की मांगे है कि कोई फैक्ट्री खुल जाए, कुछ उद्योग का काम चले तो हम काम कर ले, हम मेहनत करने गुजरात जाने लग गए, गुजरात काम करते हैं। हमारा जो कहना है, जैसे गरीब युवा है, ये बेरोजगार लड़का है, इनके पिताजी जो शांत हो गए थे बिजली से, उनकी आर्थिक सहायता थी 2 लाख रुपए की, वो भी जनपद की तरफ से इनको नहीं मिली। इनके अंकल जी है, उनकी भी आर्थिक सहायता मंजूर हो चुकी थी 2 लाख रुपए, वो भी इनको फायदा नहीं मिला। तो बीजेपी से यही कहना है कि इन गरीब का फायदा करे, इसकी मम्मी का, इसकी माता जी का, इसकी बहन का कैसे पेट भरेगा बताइए। और भी कुछ लोग हमारे साथ में, क्या कहेंगे आप, बेरोजगार ज्यादा है। हम क्या कहने चाहते हैं कि यही कहने चाहते हैं हम कि हमारा गांव का उद्धार हो, हमारा गांव में मतलब जितना भी बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाए, यही हमारा कहना है। उद्योग खुलना चाहिए, उद्योग खुलना चाहिए राजगढ़ जिले में, जनता लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, टिकट का बारह मूल्य ये हमारे साथ में सोने समाज वर्ग के लोग थे, उनका कहना है कि हम मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम फिर से बीजेपी को वोट करने की कह रहे हैं, लेकिन कुछ युवा और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि राजगढ़ में उद्योग नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पलायन करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए गुजरात और राजस्थान की ओर उनको जाना पड़ता है। पंकज शर्मा, MP तक राजगढ़।